अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल के गणेश सोसाइटी में गिरा स्लैब, आपस में भिड़े बीजेपी एनसीपी के नेता। अशोक गावड़े जितना स्वार्थी आदमी, स्वार्थी इंसान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मंगल भगत और उसके सहयोगी जानबूझ के यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नेरुल के श्री गणेश को ऑपरेटिव सोसाइटी में कल रात A4 बिल्डिंग में स्लैब गिरने से दो पार्टियों के बीच तकरार शुरू हो गई है। सोसाइटी के चेयरमैन और एनसीपी के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े ने इसका ठीकरा नवी मुंबई बीजेपी की महिला महामंत्री मंगला घरत पर फोड़ते हुए कहा कि एक साल पहले आईटी ने इस इमारत को अति धोखादायक करार देते हुए रीडेवलपमेंट का आदेश दिया था, लेकिन मंगला घरत ने इस पर स्टे ऑर्डर लाकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो बिल्डिंग है ये धोखादायक हुआ है। हमने सन 2013-14 और सन 17-18 में उसका री ऑडिट किया है, कंसल्ट ऑडिट किया है और आईआईटी ने उसको धोखादायक डिक्लेयर किया है। इसके बावजूद आईआईटी ने धोखादायक डिक्लेयर करने के बाद जो रिपोर्ट आया है वो हमने कॉर्पोरेशन को दिया है। कॉर्पोरेशन ने उसको शिवन डिक्लेयर किया है। शिवन डिक्लेयर करने के बाद हमारा जो एजेम होता है वो एजेम में सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाने के लिए हमारे सब लोग 100% लोग तैयार हैं। बल्कि हमने यहाँ एक मत से ठहराव भी पास किया है, बिल्डर अपॉइंटमेंट किया है, पीएमसी की नियुक्ति की है, उसका प्लान रेडी है, लेकिन यहाँ जो नॉन मेंबर मंगल घरत करके है और उनके कोई सहयोगी, इन लोगों ने कोर्ट में और कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास जाके स्टे ले लिया है और मिनिस्टर ने ही हमारा हमको कुछ भी नोटिस नहीं देने के बाद नोटिस दिया नहीं है, हमारा सुनवाई लिया नहीं, हियरिंग भी लिया नहीं। तुरंत एक मिनट में कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुभाष देशमुख साहब ने उसको स्टे दे दिया है। वही स्टे लेके ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी उसको स्टे दिया है। आज हमारा बिल्डिंग में कम से कम 200 के ऊपर घर का छत गिर रहा है। जो बिल्डिंग में स्टील है उसका पूरा का पूरा मट्टी हुआ है। ये बिल्डिंग जो है कोई भी टाइम गिर सकती है और उसमें जीवित हानि और वित्त हानि हो सकती है। ये हमने पब्लिक को और कोर्ट को मिनिस्टर को बताया है, लेकिन हमारा कोई सुनवाई करते नहीं है। हमारा बिल्डर भी हमने अपॉइंटमेंट किया है, लेकिन ये मंगल घरत और उसके सहयोगी जानबूझ के यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनका एक ही मकसद है, यहाँ पॉलिटिक्स करके हमारे सोसाइटी को, सोसाइटी कमेटी को बदनाम करना, इतना ही काम है। लेकिन ये पॉलिटिक्स करते टाइम उसमें अगर कोई जीवित हानि हो जाएगा तो उसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो उनका रहेगा, उनके ऊपर हम FIR दर्ज कर देंगे। क्योंकि आज की पोजीशन में हमने एक साल पहले हमारा एजेम में प्रस्ताव मंजूर हुआ है कि रीडेवलपमेंट में जाने के लिए दिसंबर 18 या मार्च 2019 तक हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था, लेकिन अप्रैल या मई में हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, उसका अभी तक सुनवाई हुआ नहीं है। मिनिस्टर ने स्टे दिया है, उसका ही सुनवाई हुआ नहीं है और ये लोग जाके कोर्ट को और मिनिस्टर को गलत गलत बताते हैं, झूठा बात बताते हैं। आज हमारे बिल्डिंग का इतना पोजीशन ख़राब है, क्या कौन से टाइम पे क्या गिर जाएगा मालूम नहीं है। तो भी हमारे यहाँ के सब जो रहवासी हैं वो अपना जान मुट्ठी में लेके रह रहे हैं। आज हर के घर में हर एक हमारा मेंबर रोज़ उसका देख रहा है कि कहाँ से गिरेगा, क्या कहाँ से गिर रहा है, ये सब देख रहा है। और ये सोसाइटी रिपेयर करने के बाहर गई है, रिपेयर ये कर नहीं सकती है। ऐसे टाइम पे हम ये आज भी ये खालसा हुआ है, इसमें अगर नीचे या ऊपर कोई होता था तो उसका जान जाता था। इसका पूरा जिम्मेदारी ये मंगल घरत और उनके सहयोगी के ऊपर मैं डालता हूँ। वहीं नवी मुंबई की बीजेपी महिला महामंत्री मंगला घरत ने उन्हें झूठा ठहराते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई है, जिसके कारण स्लैब नहीं बल्कि प्लास्टर गिर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार खुद अशोक गावड़े हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डिंग को अति धोखादायक घोषित नहीं किया गया है। उसके बावजूद अशोक गावड़े लोगों से मकान खाली करा रहे थे, जिस पर हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है। अशोक गावड़े जितना स्वार्थी आदमी, स्वार्थी इंसान हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। लोगों के जान के साथ वो इतना बड़ा खिलवाड़ खुद कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, ये बहुत ही खेदजनक बात है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम के द्वारा ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने किसी भी रीडेवलपमेंट के ऑर्डर पे स्टे नहीं लाया है। हम लोग को श्री गणेश सोसाइटी को, जो कि एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसको 2.5 FSI नहीं मिला है, और उस सोसाइटी को जब तक अभी तक 2.5 FSI का कुछ भी तय नहीं हुआ है, ना रीडेवलपमेंट का हम लोग को ऑर्डर मिला है, हमारे पास सिर्फ 1 FSI है, और महानगर पालिका और सिडको ने इस तरह का एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया हुआ है। तो अशोक गावड़े ये किस बेस पर कह रहे हैं कि हम लोग को रीडेवलपमेंट के लिए परमिशन मिला है? कहाँ से परमिशन मिला है वो कॉपी दिखाए वो ज़रा, नहीं तो इतना बड़ा झूठा दावा वो करने से पहले थोड़ी शर्म करे। मैं ये इतना बिंदास ये कहने माध्यम से कहना चाहूँगी। और दूसरी बात ये रही कि रही बात रीडेवलपमेंट के इसके ऊपर स्टे लेने की, तो स्टे हमने रीडेवलपमेंट के प्रोसेस पर नहीं, बल्कि जो इमारतें खाली करवाने का नोटिस आया था महानगर पालिका से, उसके ऊपर लिया है। और उसके दौरान हमने एक बिल्डिंग A2 करके बिल्डिंग है, उसका हमने स्ट्रक्चरल रीऑडिट करवाया था, तो उसमें सीधा सीधा ये साफ हो गया है कि ये बिल्डिंग C1 नहीं बल्कि C2 कैटेगरी में है, C2B कैटेगरी में है। और ये C2B कैटेगरी के अंदर उन्होंने साफ साफ वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में मेंशन करवाया है कि ये बिल्डिंग की तुरंत मरम्मत होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भी किया है सोसाइटी के पास, लेकिन सोसाइटी के तरफ से अशोक गावड़े ने कोई भी किसी भी बिल्डिंग को अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है। ये भी बात आप प्लीज़ नोट कीजिए। और बात इसकी भी है कि झूठे जो ये अफवाह फैलाई जा रहे हैं कि स्लैब गिर रहे हैं, स्लैब नहीं प्लास्टर गिरवाए हैं। आज 22 साल हो गए हमारी सोसाइटी को बने हुए, 22 साल में बहुत ही गंदी तरीके से रिपेयरिंग हुआ था, जो कि एकदम सड़ा हुआ रेती ईट सीमेंट लगा के, कुछ तो थूक पट्टी लगा के काम करवाया गया था, और कलर तो आज तक 22 साल में कभी नहीं किया गया है। तो इसके लिए ये बिल्डिंग की हालत ऐसी होने के लिए स्टार्टिंग से लेके आज तक वो संचालक नहीं तो अध्यक्ष रहे हुए हैं, और इन्होंने सब ये बिल्डिंग के दौरान पैसा खाने का काम ये अशोक गावड़े ने किया है। और अशोक गावड़े इतना झूठा आदमी है कि जॉइंट रजिस्ट्रार का एक स्क्रूटिनी ऑडिट रिपोर्ट आता है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर, ये मैंने नहीं लिखा है, ये गवर्नमेंट ने लिखा है कि 27 करोड़ का इसमें खर्चा कहाँ पे किया गया है वो गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे खुद सामने दिखते हुए भी ये आदमी इतना झूठ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे के ऊपर ब्लेम करना चाहिए कर रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि नेताओं की आपसी लड़ाई के बीच वहां के रहवासियों को इससे निजात कब मिलती है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस इमारत में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।